सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप दोस्तों को कंफर्म और ख़तरनाक प्लेइंग 11 बताने वाले हैं। दोस्तों जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम में कुल कितनी तब्दीलियाँ की गई हैं, कौन से नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है और कौन से पुराने खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों ये मैच 10 अप्रैल को खेला जाएगा। इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील से पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 बताने वाला हूं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनर कौन होगा वो भी मुकम्मल रिपोर्ट इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बगैर कोई आपका कीमती वक्त जाए कि आपको मुकम्मल तफसील से पाकिस्तान टीम की पहले T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 बताने वाली हैं कि कौन से नए खिलाड़ी और कौन से पुराने खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों उनमें अगर पहले नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों पहले नंबर पर होंगे ओपनर बल्लेबाज शर्जील खान। उसके बाद आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लाजमी बताना है कि पहला T20 मैच पाकिस्तान टीम जीतेगी या साउथ अफ्रीका। दोस्तों और पहले नंबर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पहले नंबर पर होंगे ओपनर बल्लेबाज शर्जील खान। दोस्तों और दूसरे नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों दूसरे नंबर पर होंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए ओपनर बल्लेबाज फखर जमान। अगर तीसरे नंबर की बात कर लेती हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे नंबर पर होंगे कप्तान बाबर आजम, कप्तानी भी यही करेंगे। अगर चौथे नंबर की बात कर लेती हैं यहाँ पे होंगे प्रोफेसर मोहम्मद हाफिज़। अगर पाँचवें नंबर की बात कर लेती हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान बहुत ही अच्छे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। उसके बाद अगर छठे नंबर की बात कर लेती हैं यहाँ पे होंगे पाकिस्तान टीम के न्यू टैलेंट खिलाड़ी हैदर अली को रखा गया है। अगर सातवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों सातवें नंबर पर होंगे पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलर उस्मान कादिर। और उसके बाद आठवें नंबर पे रखा गया है पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को। अगर नौवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों नौवें नंबर पर होंगे पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी को रखा गया है। दसवें नंबर की बात कर लेती हैं तो दोस्तों दसवें नंबर पर पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हसन अली। और ग्यारहवें नंबर पे पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हारिस राउफ को रखा गया है। ये थी प्लेइंग पाकिस्तान टीम की पहले T20 मैच।